गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको रिव्यू दूंगी बॉडी शॉप की इस प्रोडक्ट का। ये है विटामिन ई हाइड्रेटिंग टोनर। देखते हैं कंपनी क्या क्लेम करती है। इस पे लिखा है कि इसमें है प्रोटेक्टिव विटामिन ई एंड मॉइस्चराइजिंग वीट जर्म ऑयल। ये 250 ml की बॉटल है और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वीट जर्म क्या है। वीट जर्म बहुत ही इजीली स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। जब आप इसको स्किन पे लगाते हैं तो ये इन्फ्यूजन बन जाता है विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन डी का। मतलब ये कि जब आप जैसे ही आप इसको स्किन पे लगाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन बी में। ये आपकी स्किन को भी लाइटन करता है, यानी आपके कॉम्प्लेक्शन को फेयर करता है और आपकी स्किन टोन को करेक्ट करता है। अगर आपकी स्किन पे कोई स्पॉट्स हैं तो ये उनको भी क्लियर कर देगा। ये आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाता है और आपकी स्किन को रिंकल फ्री बनाता है, यानी आपके अगर मुंह पर झुर्रियाँ हैं तो ये आपके मुंह की झुर्रियों को भी ख़त्म करेगा और आपके डार्क स्पॉट्स को भी ख़त्म करेगा। और आपके जो भी चेहरे पे एजिंग की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये उनको भी रिमूव कर देता है। ये बहुत अच्छा होता है एक्नी प्रोन स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये आपकी स्किन से सेबम की प्रोडक्शन को कम कर देगा, आपकी यानी आपके स्किन से ये ऑयल को कम कर देगा। और अगर आपको इस ऑयल की वजह से कोई एक्नी या पिंपल्स का प्रॉब्लम है तो ये उस इशू को भी रिमूव कर देगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है एक्नी के लिए। इस टोनर में लाइट सी फ्रेग्रेंस भी है, तो वो लोग जो कि सेंसिटिव हैं फ्रेग्रेंस से, वो इसको इस्तेमाल ना करें। लेकिन जो लोग फ्रेग्रेंस के साथ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर लेते हैं और उनकी स्किन पे कोई रिएक्शन नहीं होता, वो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और मॉइस्चराइजिंग हो जाती है। ये बॉटल है 250 ml की और मैंने ये 4600 की परचेज की है बॉडी शॉप से, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। ये आपकी स्किन को फ्रेश रखता है और ये बहुत ही नॉन ड्राइंग टोनर है, तो मैंने सोचा कि इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए और आपके साथ इसके रिव्यूज़ शेयर करनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये है कॉटन स्वैब, इसके ऊपर आपने इसको डैप करना है। डैप करने के बाद ये देखिए, ये वेट हो गया और फिर आपने इसको अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। मैं आपको यहाँ पर अप्लाई करके दिखाऊँगी। बहुत ही सूदिंग टोनर है, इस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने से पहले ज़रूरी है कि आपने अपने फेस को वॉश किया हो। फेस को वॉश करने के बाद आपने इस टोनर को यूज़ करना है और उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है अगर आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन मैं ये रेकमेंड करती हूँ कि इस टोनर को यूज़ करने के बाद आप ज़रूर मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करें। कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये टोनर कैसा लगा।